गड इवनिंग स्टूडेंट्स वेलकम टू एस आर एस आई ए एस एंड लॉ अकेडमी आज का जो हमारा लेक्चर है वो है निपुण योजना के बारे में ठीक है ये एक योजना लेके आई है हमारी सरकार जिसमें कि जो हमारे जो वर्कर्स हैं ना जिनको निर्माण वर्कर्स कहा जाता है उनको अप स्किलिंग को उनकी जो अप स्किलिंग है उसको प्रमोट करने के लिए ये योजना लेके आई है तो चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं और देखते हैं ये योजना किस बारे में है तो देखते हैं योजना क्या है द अर्बन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर जो मिनिस्ट्री है हमारी उन्होंने लॉन्च किया है एक इनोवेटिव प्रोजेक्ट जो कि होगा जिसका नाम है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रमोटिंग अप स्किलिंग ऑफ निर्माण वर्कर्स निपुण इन न्यू दिल्ली ठीक है न्यू दिल्ली में जो निपुण वर्कर्स हैं ना उनकी जो अप स्किलिंग है उसको प्रमोट करने के लिए एक इनिशिएटिव लेके आई है सरकार ठीक है अब देखते हैं निपुण इनिशिएटिव एम्स टू ट्रेन ओवर वन लैख कंस्ट्रक्शन वर्कर्स ठीक है एक लाख कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को आ, उनको फ्रेश स्किलिंग और जो उनके जो स्किल्स हैं उनको अपस्किल किया जाएगा ताकि जो उनकी जो वर्क अपॉर्चुनिटीज़ है उसको फॉरेन कंट्रीज़ में भी प्रोवाइड करवाया जा सके ठीक है उनके लिए वर्क अपॉर्चुनिटीज़ बने कहाँ पे फॉरेन कंट्रीज़ में निपुण इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ़ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ठीक है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स जो हमारी मिनिस्ट्री है Uh, उसका जो इनिशिएटिव है किसके अंडर अंडर अ फ्लैग फ्लैगशिप स्कीम ऑफ दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन ठीक है डी ए वाई एन यू एल एम ये नाम याद रखिएगा ये वाली जो हमारी फ्लैगशिप स्कीम है उसके अंदर आएगी ये निपुण योजना और ये जो हमारी फ्लैगशिप स्कीम है ये किस कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आती है वो है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स नेक्स्ट देखते हैं अबाउट द स्कीम द ट्रांसफॉर्मेशनल इम्पैक्ट ऑफ नेशनल अर्बन लाइवलीड मिशन हैज डेफिनेटली द वलनेबिलिटी ऑफ अर्बन पुअर्स हाउस होल्ड बाई प्रोवाइडिंग अप एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज टू अर्बन ड्वेलर्स स्पेशली टू द यूथ जैसा कि हमने देखा था ना जब कोरोना आया था तो जो सबसे ज्यादा इफेक्ट किया था उन्होंने ये जो अर्बन uh, इंडस्ट्री में जो ये वर्कर्स रहते थे, थे ना इसको बहुत इफेक्ट किया था कोरोना ने क्योंकि इन सब की नौकरियां चली गई थी तो उस वजह से ये जो सरकार है वो लेके आई है कि जो इनके स्किल्स है ना एक तो उनको अपग्रेड करना है और दूसरा जो बाकी जो यूथ है उनको फ्रेश स्किल्स गाने हैं इट विल प्रोवाइड ट्रेनीज विद कौशल बीमा ठीक है bima, उनको कौशल बीमा भी दिया जाएगा जो कि तीन साल का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस होगा अगर मान लो कि उनका Uh, कि, किसी दुर्घटना की वजह से उनकी डेथ हो जाती है तो उनको दो लाख तक का हेल्थ इंश्यो एक्सीडेंटल इंश्योरेंस दिया जाएगा उसके अलावा जो उनके डिजिटल स्किल्स हैं ना उनको भी इंक्रीज़ किया जाएगा डिजिटल स्किल्स हो गए जैसे कैशलेस ट्रांजेक्शन होगी ठीक है जैसे ये भीम ऐप होगी इसको यूज़ कैसे करना है क्योंकि आपने देखा होगा कि ये जितने ये मजदूर होते हैं ये कैश uh, में ही डील करते हैं ठीक है ठीके? तो इनको जो हमारी इंक्लूजन uh, है डिजिटल uh, इंक्लूजन उसमें इंक्लूड करने के लिए इनको uh, जो डिजिटल स्किल्स हैं वो भी प्रोवाइड करवाए जाएंगे उसके अलावा द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री इज़ पॉइज टू बिकम द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर बाय टू थाउजेंड एंड ट्वेंटी टू एंड नीड्स फोर्टी फाइव मिलियन एडिशनल स्किल वर्कर्स ओवर द नेक्स्ट टेन ईयर्स ठीक है तो वो कहते हैं कि जो अगले दस साल तक जो हमारे फोर्टी फाइव मिलियन जो एडिशनल स्किल वर्कर्स हैं ना उनकी हमें ज़रूरत होगी और ये जो कंस्ट्रक्शन uh, इंडस्ट्री है वो सबसे बड़ा uh, जो एम्प्लॉमेंट uh, जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो प्रोवाइड करवाएगी अगले दस सालों में नेक्स्ट देखते हैं अबाउट द स्कीम द इनिशिएटिव विल इनेबल निर्माण वर्कर ठीक है निर्माण वर्कर मैंने आपको बतानी है ना जो किसी भी तरीके का निर्माण करते हैं जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ करते हैं उनको निर्माण वर्कर्स कहा जाता है

और उसके अलावा वो ओवरसीज जाके वहाँ पे भी उनकी प्लेसमेंट कराई जा सके ठीक है तो ये एक जो एक नया इकोसिस्टम हम डेवलप करने जा रहे हैं ये सब उसी का पार्ट है इकोसिस्टम किन का ये जो हमारे निर्माण वर्कर्स हैं इनका थ्रू सूटेबल स्किलिंग इनिशिएटिव एज निपुण इंडिया विल क्रिएटिंग अ फ्यूचर लेबर फोर्स ठीक है हम एक फ्यूचर फ्यूचर लेबर फोर्स क्रिएट करने जा रहे हैं uh, किसके लिए कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए विच विल प्रॉपर प्रोपेल इनोवेशन एंड लार्ज स्केल इन डेवलपमेंट इन द कंट्री नेक्स्ट देखते हैं स्कीम के बारे में द स्पिरिट ऑफ आंट्रप्रेन्योरशिप हैज़ बीन इंकरेज एंड सपोर्टेड बाई गिविंग अर्बन वर्कर्स असेज टू सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल वेज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। ठीक है कि ये जो आंट्रप्रनोरशिप का जो स्पिरिट है वो भी इंक्रीज होगा ठीक है Uh, क्योंकि uh, हमने देखा है कि ये जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ में इसमें जो वर्कर्स की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है और जो एकदम से जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हैं 2022 के बाद हमने देखा कि वो एकदम से बढ़ने वाली हैं हम uh, हमने पीछे डिस्कस किया कि जो 10 लाख uh, 45 मिलियन uh, तक की जो uh, अगले 10 सालों में नए स्किल वर्कर की वर्कर्स uh, की ज़रूरत होगी द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है इन्वेस्टिंग इन स्किलिंग बट इट हैज़ नॉट स्प्रेड अक्रॉस द इंडस्ट्री ठीक है इससे पहले भी जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री uh, है उसमें भी पहले भी स्किलिंग में इन्वेस्टमेंट uh, की जा चुकी है लेकिन वो हॉरीजोंटली अच्छे से uh, उसको uh, इस लाइन का मतलब ये है कि वो अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई ठीक है नेक्स्ट देखते हैं आ, मैंने आपको बताया था ना कि ये जो आ, इस स्कीम फ्लैगशिप स्कीम के अंदर इसको लाया जाएगा तो वो फ्लैगशिप स्कीम है दीन दयाल अंत्योदय योजना नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन ठीक है ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है ये यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है तो ये नेशनल अर्बन लाइवलीहुड जो मिशन है ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम वो होती हैं कि जो जिस स्कीम में सेंटर और स्टेट दोनों मिलके कंट्रीब्यूट uh, करे ठीक है कुछ पार्ट उसमें सेंटर का कंट्रीब्यूशन होता है और कुछ पार्ट होता है स्टेट का कॉन्ट्रीब्यूशन ठीक है इट हैज़ बिन इम्पलीमेंटेड सिं टू थाउजेंड फोटीन एंड फिफ्टीन ठीक है फोर्टीन और फिफ्टीन से जब ये आपकी मोदी सरकार आई थी तब से यह मिशन शुरू हुआ है ठीक है दीनदयाल अंत्योदय योजना इट एम्स टू रिड्यूस पॉवर्टी ठीक है इसका एम क्या है पॉवर्टी रिड्यूस करना अवेलेबिलिटी ऑफ अर्बन पुअर हाउस होल्ड ठीक है जो अर्बन पुअर में जो हाउस होल्ड्स हैं कंट्री में उनको इनेबल करना ताकि वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और स्किल वेज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को ग्रास्प कर सके ठीक है नेक्स्ट द प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स जो हमारा प्रोजेक्ट होगा तीन पार्ट्स में होगा पहले पार्ट में क्या किया जाएगा रिकॉग्नाइज किया जाएगा Uh, जो उनकी लर्निंग है ठीक है एट कंस्ट्रक्शन साइट्स ओनली मतलब जो कुछ वर्कर्स होंगे उनको कंस्ट्रक्शन साइट्स पे uh, जो उनके जो uh, उनकी लर्निंग है उसको रिकोगनाइज करके मतलब जैसे कुछ वर्कर्स होंगे ना जो पहले से काम कर रहे होंगे तो उनको उनको स्किल्स को अपग्रेड करना है ठीक है एक तो ये है दूसरा ट्रेनिंग थ्रू फ्रेश स्किलिंग बाय प्लम्बिंग एंड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर uh, Uh, जो कुछ जो वो होंगे फ्रेश स्किल्स होंगे कुछ वर्कर्स होंगे उनको फ्रेश स्किल्स प्रोवाइड करवाने होंगे जैसे कि मान लो कोई वर्कर है ठीक है अब उसको डिजिटल पेमेंट करना नहीं आता तो डिजिटल पेमेंट उस वर्कर के लिए एक फ्रेश स्किल हो जाएगा ठीक है तो सेकेंड जो इसका पार्ट है वो ये है और जो थर्ड पार्ट है इंटरनेशनल प्लेसमेंट्स थ्रू इंडस्ट्रीज बिल्डर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स ठीक है कि उनकी इंटरनेशनल प्लेसमेंट्स करवानी है द ऑन साइड ट्रेनिंग विल बी प्रोवाइडेड टू एक्स अप्रॉक्सीमटली एटी थाउजेंड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स ठीक है जो एट्टी थाउजेंड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं हमने ये प्रोग्राम शुरू किया है, एक लाख कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए ठीक है उनमें से जो एटी थाउजेंड है उनको ऑनसाइट ही प्रोवाइड करवाई जाएगी ठीक है ऑन साइड स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई जाएगी बल्कि जबकि वाइल अबाउट फोर्टीन थाउजेंड कैंडिडेट्स विल रिसीव फ्रेश स्किलिंग थ्रू प्लम्बिंग एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर सेक्टर स्किल काउंसिल ठीक है तो जो उनमें से चौदह हज़ार होंगे वो बिल्कुल नए वो होंगे आपके Uh, जो होते हैं ना यूथ होता है जो बिल्कुल नया होता है और उनको फ्रेश स्किल्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे अंडर निपुन इट इज़ ऑल्सो इनविसेज टू प्लेस अप्रॉक्सीमेटली ट्वेल्व थाउजेंड पीपल इन फॉरन कंट्रीज सच एज किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया एंड यू ए ठीक है इनमें से जो बारह हज़ार लोग हैं उनको जो फॉरन कंट्रीज़ है वहाँ पर उनकी प्लेसमेंट करवाई जाएगी तो जो आज की जो हमारी क्लास थी वो यहीं तक थी इस क्लास के जो नोट्स हैं वो आपको हमारे जो टेलीग्राम चैनल आपको शो हो रहा है आ, स्क्रीन पे उस पर प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे और जो उसके अलावा जो हमारे वेरियस कोर्सेज़ हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए आप दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो और उसके अलावा हमने जो जून तक के जितने भी करंट अफेयर्स कवर हुए हैं जून मंथ में उसकी हमने एक मैगजीन बना दिए उसको लेने के लिए भी आप ये दिया हुआ नंबर है इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ठीक है उसकी सॉफ्ट कॉपी अगर आपको चाहिए हो और उसकी सॉफ्ट कॉपी में हमने जो जितने भी यूट्यूब के लिंक्स हैं ना मतलब जैसे कि हमने एक टॉपिक डिस्कस किया है तो उसकी हेडिंग पे हमने ना यूट्यूब का लिंक साथ में ही ऐड कर दिया तो आपको बस करना कुछ नहीं है मैगजीन में जाके बस हेडिंग uh, पे डबल क्लिक करना है किसी भी टॉपिक की हेडिंग पर डबल क्लिक करोगे तो वो डायरेक्टली आपको यूट्यूब uh, की उस वीडियो पर डायरेक्ट कर देगी ठीक है तो आज की क्लास यहीं तक थी थैंक यू सो मच